पद के लिए ही तो सारी परेशानियां है। ये सबनम नाच बहुत पुरानी महिला है और आज पद के लिए उनको ना रोकना हो तो चल रोकना इसी को भी जौनपुर में महिला सभा की जो जिला अध्यक्ष है उन्होंने अपनी जिले की कमेटी विधानसभा अध्यक्ष और नगर पालिका नगर पंचायत और ब्लॉक के अध्यक्षों का गठन किया है। आज उन्हीं को प्रमाण पत्र देने के लिए आज ये मीटिंग बुलाई गई है। हमारे मंच पर मेन बॉडी के जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय कमेटी के सुनील यादव जी और पूर्व विधायिका जी श्रद्धा जी और अध्यक्ष हमारी मालती निषाद जी सारे लोग हैं और कमेटी की बैठक जिन्होंने आज शपथ ग्रहण लिया है एक तरह से समाजवादी पार्टी में महिला बिल के पदाधिकारी के रूप में। सपा के वरिष्ठ नेता द्वारा लगातार हिंदू धर्म पर विवादित बयान दिया जा रहा है। सर ये उनका अपना एजेंडा है और हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग हैं। समाजवादी पार्टी में हर जाति हर धर्म का पूरा सम्मान है। आज महिला आरक्षण बिल पर बात हो रही है, महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, क्या इतना सार्थक मानती हैं आप महिलाओं को लेकर? भाजपा की तरफ से कोई भी बयान आता है, कोई भी बात किसी जनता के लिए की जाती है तो पूरी तरह से जुमलेबाजी होती है। चाहे जिस तरह से आप देखेंगे 15 करोड़ रुपए का मामला हो, 2 करोड़ नौकरियों की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, ये सब जुमलेबाजी रही। और उसी तरह से इन्होंने चुनाव आ रहा है तो एक शगुफा छोड़ा है जो टेक्निकली ये कहीं संभव नहीं है। अभी जनगणना होगी, जातीय जनगणना के लिए हमारे नेता बार बार कह रहे हैं जब ये होगी उसके बाद ही कुछ इसके ऊपर डिसाइड किया जा सकता है। और जो ये 33% आरक्षण की बात कर रहे हैं इसमें पिछड़ी और दलित महिलाओं का कोई परसेंटेज निर्धारित नहीं किया है। तो हमारे नेता का मांग और समाजवादी पार्टी का मांग है कि हम इसमें सभी की आरक्षण डिफाइन हो उसके बाद ही लागू हो। और ये लागू होने का समय भी जब वो बता रहे हैं कि 29 के बाद होगा तो आज इसके बाद छेड़ने से कोई मतलब नहीं है। बस ये जैसे मुद्दे छेड़ते हैं, अभी इन्होंने इंडिया को भारत करने की बात की, ये तमाम बस ऐसे शगुफे छोड़ते रहते हैं जिसमें जनता गुमराह हो जाए और इनका वोट बैंक की बात ये हमेशा अपने करते हैं। और इनके इस बात से महिलाएं पूरी तरह से परिचित हैं, जिस तरह से महिलाओं को सिलेंडर की बात की, महिला सुरक्षा की बात की और हर तरह से हर मोर्चे पे महिलाओं के ये फेल रहे, चाहे वो महंगाई का मामला हो, चाहे ये महिलाएं जो इंटरनेशनल खिलाड़ी वहाँ बैठी रही उनका मामला हो, चाहे मणिपुर में जो हुआ वो आज भी जनता नहीं भूल रही है महिलाओं के साथ। तो ये महिलाओं के लिए जो आज महिलाएं चारों तरफ इनसे बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, महिलाएं पूरी तरह मन बना चुकी हैं इनके विरोध में वोट करने का, इनको हटाने का, इनको सरकार से बेदखल करने का, तो ये महिला आरक्षण बिल का एक शगुफा छोड़ रहे हैं। और इन्हें खुद भी पता, जबकि खुद कह रही है 29 के बाद लागू होगा, तो आज ये बात करने का कोई मतलब ही नहीं है।